और मुसलमान अपना सर कटा लेगा, अपना घर बेच लेगा, मगर वहां पे मस्जिद बने जब तक आराम से नहीं रहेगा। खुदा की कसम, जब हमारी एक आवाज निकलेगी कि मस्जिद के लिए आ जाओ, मंदिर के लिए आ जाओ, फिर ये शहर में दंगा फसाद हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। हम खून खराबा नहीं चाहते। भाई जो लोग फॉर्म लेके जा रहे हैं अपने खवातीन से, अड़ोस पड़ोस से सबसे सिग्नेचर लेके मस्जिद में जमा करा दीजिए। ये सेक्रेटरी ने तो मसाजिद को खरीद कर दिए, तेलंगाना में चार मसाजिद में खरीद कर दिए। दस्तखत कर लेके जाइए, दस्तखत गवाही देंगी आप मसाजिदों के लिए कि खड़े थे बोल के। सिग्नेचर करके जाइए भाई, जो जो लोग सिग्नेचर नहीं करे ना, यहाँ सिग्नेचर करके जाइए। सेक्रेटरी के मसाजिदों की शहादत के लिए इसमें सिग्नेचर करके जाइए भाई। और मुसलमान अपना सर कटा लेगा, अपना घर बेच लेगा, मगर वहां पे मस्जिद बने जब तक आराम से नहीं रहेगा। खुदा की कसम, जब हमारी एक आवाज निकलेगी कि मस्जिद के लिए आ जाओ, मंदिर के लिए आ जाओ, फिर ये शहर में दंगा फसाद हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। हम खून खराबा नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी आज तमाम रियासतें तेलंगाना में हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं। हम इशू है सेक्रेटरीट के अंदर दो मस्जिद जो शहीद हुए हैं और एक नल्ला पोचम्मा मंदिर जिसको डिसमेंटल कर दिया। आप कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि मस्जिद और मंदिर दोनों बनना वहां पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज बोलना चाह रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी बोल रही कि मस्जिद जहां पर शहीद हुई
वही जगह पे हमारे को मस्जिद होना। मुसलमान का सेंटिमेंट ये है, इस्लामिक शरीयत ये है, इस्लामी कानून ये है कि जहाँ पर एक टाइम मस्जिद बन जाती वो अल्लाह का घर बन जाता। और अल्लाह का घर आप शिफ्ट नहीं कर सकते। केसीआर साहब बहुत बड़ी गलती करें आप, पहले आप हमारे को ये महसूस करवाए कि सेक्रेटरीट के जितने भी बिल्डिंग हैं आप तोड़ेंगे, मगर मंदिर और मस्जिद को आप नहीं तोड़ेंगे। मगर उसके बाद आप एक स्टेटमेंट देते कि बाजू की ओल्ड बिल्डिंग टूट रही थी, ऊपर से डेब्रिस गिरा और मस्जिद पार्शली टूट गई, मंदिर पार्शली टूट गई। और मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं बड़ी मंदिर और मस्जिद बनाऊंगा, गवर्नमेंट पैसों से बनाऊंगा, मैं आप लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं होने दूंगा। आप स्टेटमेंट दिए, वेरी गुड, मगर आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दे रहे केसीआर साहब। आप मस्जिद बनाते बोल रहे, आपको तो बनाना ही चाहिए, मगर मस्जिद जहां पर शहीद हुई वहां पर ही हमारे को मस्जिद होना। और रही बात आपके एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में आके बोलते कि मस्जिद पूरी डेमोलिश कर दिए, आप बोलते मस्जिद थोड़ी टूट गई, तो अब इसके ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी हुई। मस्जिद शहीद नहीं, मस्जिद का मर्डर हुआ। कौन है इसके जिम्मेदार? आरएनबी डिपार्टमेंट, जीएडी डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड, एंडोनमेंट, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री या कौन सा मंत्री? अरे भाई अजब बात है, हम पुलिस स्टेशन को जाते, एफआईआर लॉन्च करते और पुलिस वाले बोलते हम कुछ भी नहीं कर सकते। अरे साहब आप कॉपी तो दो, नंबर तो दो, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती? आप जाके जब कंप्लेंट देते, पुलिस का काम है एफआईआर देना। आज मस्जिद और मंदिर टूट के 50 दिन हो रहे और पुलिस वालों के कान पे जूने चढ़ रही, क्यों? मुख्यमंत्री बोलते पुलिस फोर्स उसके साथ है, कानून का है, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं आप लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को। और जो आप मस्जिद और मंदिर तोड़े केसीआर साहब, इन मॉरल है, अनएथिकल है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आपको हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं केसीआर साहब, मेहरबानी करके हिंदू और मुसलमानों के सेंटिमेंट से आप मत खेलिए। छोटी सर की चीज है, क्रिमिनल केस पहले बुक खोल दीजिए। वहां कॉन्ट्रैक्टर की गलती है कि कोई डिपार्टमेंट की गलती है कि उसको सजा मिलना और उसके बाद में मस्जिद वाइज बनना, मंदिर भी बनना। आपसे गुजारिश कर रहे, हम पीसफुल काम करना चाह रहे। और आप लोग प्रेस वाले पूछेंगे 50 दिन के बाद कांग्रेस उठी क्या? COVID-19 पैनडेमिक से पूरा तेलंगाना परेशान है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि हम मंदिर और मस्जिद के इशू को आगे बढ़ाएंगे। हम ये समझ रहे थे केसीआर साहब दानिश्वर है, सेकुलर है, वो स्टैंड ले लेंगे। मगर अफसोस इस बात का कि वो स्टेट के मुख्यमंत्री के वैसा बात नहीं कर रही, एक राजा एक डिक्टेटर के वैसा बात कर रही। हम आपसे गुजारिश कर रहे, मुसलमानों का सेंटिमेंट है, मेहरबानी करके जहां पे मस्जिद है वहां पे मस्जिद बनाइए। हिंदुओं का सेंटिमेंट है, वहां पे मंदिर बनाइए। आप पूरे रिलीजियस हेड्स को बुलाते थे, पूरों को आप कॉन्फिडेंस में लेते थे और उसके बाद में आप ये डिसमेंटल करते थे, मगर आप नहीं करे। आज हम आपसे गुजारिश कर रहे, मेहरबानी करके इमीडिएटली स्टेटमेंट रिलीज करिए कि मस्जिद जहां पे थी आप वहां पे मस्जिद बनाएंगे, बाजुक नल्ला पोचम्मा मंदिर जहां पे थी मैं वहां पे बनाऊंगा। आप तेलंगाना की बिल्डिंग को इंडिया क्लास नहीं, वर्ल्ड क्लास बना लीजिए। हम भी ये चाहते, मगर हमारी मस्जिद जहां पे हाँ वहां दे देंगे। अगर से आप नहीं बनाएंगे, आज हम पीसफुल काम कर रहे हैं, कल के दिन आवाम को इन्वॉल्व कर देंगे। और खुदा की कसम जब हमारी एक आवाज निकलेंगी कि मस्जिद के लिए आ जाओ, मंदिर के लिए आ जाओ, फिर ये शहर में दंगा फसाद हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। हम खून खराबा नहीं चाहते। और मुसलमान अपना सर कटा लेगा, अपना घर बेच लेगा, मगर वहां पे मस्जिद बने जब तक आराम से नहीं रहेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, धन्यवाद।
जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा, टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्दों खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर आसानी दस्तियाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश, आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।